श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ हृदयेश्वर के नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हम श्री बीतक साहब किस प्रकार देवचंद्र जी दीक्षा ग्रहण करते हैं, किन किन से वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं श्यामा जी ढूंढने के लिए अपने प्राण वल्लभ को, आज हम सब मिलकर सुनेंगे। और अभी चलते हैं सुंदर साथ जी अति सुंदर भाव सुनने के लिए, अति सुंदर किरंतन भाव लता दहल जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान निवन स्वरूप धाम धनी श्री राज चंद्र जी की नूरी चरण कमल में कोटन कोट प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आज मैं एक वाणी भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ, एक कोशिश करने जा रही हूँ। श्री धनी जी के लाग गुपाई, श्री धनी जी के लाग गुपाई, श्री धनी जी के लाग गुपाई, श्री धनी जी के लाग गुपाई। मेरे पेहो जी फेरा सपन हो जाए, मेरे पेहो जी फेरा सपन हो जाए, जो पेहो लिखाए मेरे पेहो जी, जो पेहो मेरे पिताजी, सनिया प्यारे मेरी बिनती, सनिया प्यारे मेरी बिनती, श्री धनी जी के लागो पाए, श्री धनी जी के लागो पाए। तुम परवार डरो जीव सुदीहा, तुम की वो सो अधिक सनीहा, तुम परवार डरो जीव सुदीहा, तुम की वो सो अधिक सनीहा, मी वारिणी तुम देखता हूँ सीता लवी
धनी जी के लाई, श्री धनी जी के लाई, वारिणी ऊपर ली वारिणी, सुख दी मोको अति धनी, वारिणी ऊपर ली वारिणी, सुख दी मोको अति धनी, वीर वीर में लागो पाई, वीर वीर में लागो पाई, सेवा करो हृदय चितलाई, सेवा करो हृदय चितलाई, श्री धनी जी की लागो पाई, श्री धनी जी की लागो पाई, वचन धनी के कहे परवाना, प्रकट लीला होसी निर्वाना, वचन धनी के कहे परवाना, प्रकट लीला होसी निर्वाना, सौदे पवन गाके होशियारी, सौदे पवन गाके सोरा, रास प्रदास उदय हुआ नोरा, रास प्रकाश उदय हुआ नोरा, श्री धनी जी की लागो पाई, श्री धनी जी की लागो पाई, मेरे पे होशी मेरा सफल हो जाए, मेरे पियोशी फेरा सफल हो जाए, जो प्यार पाए मेरे पियोशी, जो प्यार पाए मेरे पियोशी, सुनिया मेरी विनती, श्री धनी जी की लागो पाई, श्री धनी जी की लागो पाई, श्री धनी जी की लागो पाई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी। लता दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना प्यारा गायन करते हो। सुंदर साथ जी, आपने देखा होगा हमारे सिक्किम के, नेपाल के सुंदर साथ में अंदर से ही ये जो स्वर होते हैं ना, ये राजी ने भरे हुए हैं, बहुत 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 मीठा, अति 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 सुंदर गायन, बहुत मीठा। पर नाम जी, आप एक और किरंतन भी रेडी रखिएगा, बहुत जल्दी हम सब सुंदर साथ आनंद लेंगे। और मेरी ना एक प्रार्थना भी है, आपकी आवाज इतनी ज्यादा मीठी है, पर ये जूम है ना, ये शायद हारमोनियम और तबले को पकड़ नहीं पाता, तो नेक्स्ट टाइम यदि आप उनके बिना गाएंगे ना तो और मीठा आएगा, क्योंकि हल्की हल्की सी बस कट रही थी, ज्यादा नहीं। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरे वाह राज जी, श्री धनी जी के लागू पाए, सुबह 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 क्या, इस जीवन में यदि उनके चरण हमने पकड़ लिए सुंदर साथ जी, तो और इस जीवन में चाहिए ही क्या, ये मानव तन 100% सफल हो जाएगा यदि हमने ऐसे कर लिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब एक और अति मीठा भाव, अति मीठी रूह से प्रणाम जी, सुनीता दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अभी सुंदर साथ के धाम जी में विराजमान युग स्वरूप जी के चरणों में प्रणाम।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनिए आवाज आ रही है? हाँ जी बहुत अच्छी आ रही है। ये तो देख नाटक निमक को, अब करे कहाँ विचार, पाँव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरा करार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभा, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तू कहा देखे इन खेल को, तू कहा देखे इन खेल को, ए तो पड़े ओ है सब प्रतिबिंब, ए तो पड़े ओ है सब प्रतिबिंब, प्रपंच पाचो तत्व मिल, प्रपंच पाचो तत्व मिल, सब खेले सूरत के संग, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ए भरम की बाजी रचिरा मत, ए भरम की बाजी रचिरा मत, बहुविधे संसार, बहुविधे संसार, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, ए जो नैन देखे श्रवण सुने, सब मूल बिना विस्तार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, तेरे बीच बाट घाट ना तत्व कोई, तेरे बीच बाट घाट ना तत्व कोई, तू करे पाँव बिना पाँव, तू करे पाँव बिना पाँव, निरंजन से परे न्यारा, निरंजन से परे न्यारा, तहाँ है मारा तन, ओ मेरी वासना तुम चलो
अगम के पार, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, अब पार सुख क्यों प्रकाशिए, ए है अपनो विलास, ए है अपनो विलास, श्री महामते मनसा मिट गई, श्री महामते मनसा मिट गई, सुप सुपन के रिया, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार, तहां है तेरा करार, तू देख निज दरबार अपनो, देख निज दरबार अपनो, सूरत यही संभा, ओ मेरी वासना, तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार, तहां है तेरा करार, कहाँ है तेरा करार, सूरत यही संभा, तुम चलो अगम के पार, तुम चलो अगम के पार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। दोसा जी आज गला बहुत ज्यादा खराब था, आवाज मेरे को नहीं पता कैसी निकली है, बहुत ज्यादा आवाज बोल रहा, अभी नहीं जा रहा मेरे से। हम जी सुनीता दीदी अभी तो गले खराब में इतनी प्रेम से और भावों से भरी हुई आवाज निकली है, तो जब सही होता है तो राजी ही जाने। पहले लता दीदी ने कहा धनी जी के लागू पाए, और जब लागू पाए तो बोलते ओ मेरी वासना, अब चलो अगम के पार, अब पाए लग गए हैं तो चलिए फिर उनके साथ ही अगम के पार चलते हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर, आप दोनों के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, मीठी मीठी रूहें, मीठे हक मीठा रूहों प्यार, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। कल हम आपको मिस कर रहे थे सुनीता दीदी, आइए शुरू करते हैं बहुत सुंदर श्री बीतक साहिब चर्चा। चर्चा करने के लायक तो है ही नहीं, हम तो केवल जो रास्ता सतगुरु जो राजी दिखाते जा रहे हैं बस उसके ऊपर चलते जा रहे हैं। सुंदर साहिब जी, चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राण नाथ, सखी जीवन हमारो, श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल गया बहन तखत, लाल गया बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी, हमारी प्यारी श्यामा जी कहाँ पहुंच चुकी हैं अभी तक, सारे मंदिरों में ढूंढ ढूंढ थक गई हैं, पर वहां तो केवल होती है मूर्ति पूजा, उसके अलावा बस कहते हैं मूर्ति सामने पधराई हुई है और ज्ञान चर्चा की आवश्यकता ही क्या है। पर श्यामा जी के दिल को, जिस तन में
श्यामा बैठी हो उनके दिल को कैसे तसल्ली मिल सकती है ज्ञान चर्चा के बिना, जो उसकी तरफ इशारा ना करता हो, जिसको वो ढूंढ रही है, जिसको वो खोज रही है। तहां मन माने नहीं, वहां मन नहीं मानता, कोई राह नजर नहीं आती, सारे मंदिरों में घूम लेते हैं, कब खाना मिलता है कब नहीं, धनी जानते हैं या फिर उनकी श्यामा जी जानती हैं। उसके बारे में कुछ लिखा भी नहीं गया सुंदर सा जी, धनी जी ने लिखा भी नहीं कितनी बार उन्होंने खाना खाया होगा, कितनी बार वो भूखे रहे होंगे, कितने उनके टांगों में दर्द हुआ करती होगी, कहाँ वो रुकते होंगे, कैसा वो करते होंगे। सुंदर सा जी उसके बाद चलते हैं, मन नहीं मानता तो आगे कहाँ जाते हैं। आए खोजे सन्यासी, अब सन्यासी मत यानी के दत्तात्रेय के जो अनुयायी होते हैं, वही दत्तात्रेय सुंदर सा जी जिन्होंने 24 गुरु किए थे, अब उनको फॉलो करने वाले आगे कैसे हैं, अनुयायी सन्यासियों के पास आकर खोज करने लग जाते हैं, उनको अपनी वेशभूषा और वैराग्य भावना का बहुत अभिमान है कि हमारे चमत्कारों से प्रभावित होकर सारी जनता हमारे पास आती है, सारे हमारे चरणों में नतमस्तक हो जाती है, बहुत अभिमान है इस बात का। पर देवचंद्र जी को तो पाना है, वो तो सबके सामने झुकना जानते हैं, चाहे कोई मानी हो, चाहे स्वाभिमानी हो या अभिमानी हो या अहंकारी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे नम्रता से भरपूर हो पर वो तो उनसे भी नम्र हो जाया करते हैं, क्योंकि कुछ चाहिए, जब कुछ चाहिए सुंदर साथ जी तो झुक झुक जाइए कि मुझे परम तत्व का वो ज्ञान कहीं से मिल जाए। और हमें तो धनी ने ऐसे दे दिया, बहुत सुंदर श्री इंद्रावती जी लिखती हैं कि ये प्रेम की राह पाना धनी जी आसान तो था ही नहीं, आसान तो क्या, इम्पॉसिबल था, असंभव था, यदि ये प्रेम की राह आप हमें पकड़ाते नहीं तो हमारे में तो इतना बल था ही नहीं, आज तक पूरी दुनिया ढूंढ ना पाई थी, इतने ब्रह्मांड हो गए कोई ढूंढ ना पाया था, तो हमने कहाँ से ढूंढ लेना था, तो आपने ही ये राह पकड़ाई है, आपने ही अपना पल्ला पकड़ाया है धनी जी, अब आपसे ही हमें प्रेम मांगना, और कोई हमारा है भी तो नहीं। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर कहते हैं कि प्रेम मांगता कौन है, सुंदर साथ जी मांगने के लिए एक भाव होता है दास भाव, हम दास भाव से मांगते हैं क्योंकि पता है अंदर समर्पण नहीं है, अंदर प्रेम पूरा नहीं है, तो भाव कौन सा आता है, दास, दास कितना समर्पित होता है, दास में कितना प्रेम होता है सुंदर सार जी, उसको पता है मैं माया के लिए मांग रहा हूँ, तो दास भाव से इसलिए मांगते हैं, राजी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, राजी माया की ये इच्छा पूरी कर दीजिए, तो वो मांगना होता है दास भाव से मांगना। एक भाव होता है अधिकार पूर्ण मांगना, मैं तेरी तू मेरा, प्रेम देते हो कैसे नहीं देते, ये होता है अधिकार पूर्ण कि राजी मुझे आपका प्रेम चाहिए ही चाहिए, जब समर्पण पूरा हो जाएगा, जब अंदर प्रेम से भरपूर होगा, तब वो अधिकार भाव आता है सुंदर साहब जी, जिस अधिकार भाव से इंद्रावती जी उनसे मांगती हैं कि पिया पूरा का पूरा प्रेम मुझे आपका चाहिए। हम सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए श्री मुखवाणी में बार बार लिख देती हैं कि एक ऐसी स्त्री स्वयं को कहती है सुंदर साथ जी, कह स्वयं को नहीं रही, हम सुंदर साथ के लिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको तो दर्शन हो चुके हैं, क्या कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं एक ऐसी स्त्री जिसको स्वयं प्रेम ना मिला हो, जो स्वयं समर्पित ना हो, घर के आंगन में खड़ी होकर प्रियतम के लिए रो रही हो कि प्रियतम मेरे सामने आते क्यों नहीं, स्वयं को कहती हैं, उसके सामने उस स्त्री से सब प्रेम मांग रहे हैं, सारी रूहें धनी मेरी तरफ आशा लगाकर खड़ी हुई हैं, मेरी तरफ आस भरी दृष्टि से देख रही हैं, क्योंकि मुझे श्री राजी बनाकर अक्षरातीत की शोभा देकर आपने खड़ा कर दिया, अब बताइए मैं इनको क्या जवाब दूं, सारी रूहें मेरी तरफ इस आस से देख रही हैं कि ये हमें धनी से मिला देगी, मैं स्वयं नहीं मिली तो मैं कैसे मिलाऊं,
वो तो मिल चुके हैं सुंदर साथ जी, किसी को कुछ नहीं कहती इंद्रावती जी, उंगली तो किसी की तरफ उनकी जाती ही नहीं कि तुम ये गलत कर रही हो, अपनी तरफ उंगली करके इशारा स्वयं की तरफ करके सिखापन हमें दे रही हैं कि जिसने स्वयं नहीं देखा सुंदर साथ जी, जो जो सुंदर साथ जिनको भी शोभा धनी ने दे दी है सुनाने की, कहां हम सुंदर साथ के पास भी वो प्रेम और समर्पण है, उनको सिखापन दे रही है कहीं शोभा के चक्रों में ना पड़ जाना, अपने जो शोभा धाम धनी ने दी है वो देते रहेंगे, वो सब काम होता रहेगा, पर अपने प्राण प्रियतम को पाने की जो चाह है उसको धूमिल ना होने देना, इस वजह से कि जागने के कार्यों में लगे हुए हैं, अपने लिए तो समय ही नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो अपने लिए यानी के चितवन में बैठकर धनी को पाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत सुंदर, पता है क्या लिखती हैं सिंधी में, सुंजे हियडे ना चढ़ित, सूने हृदय में पिया चढ़ते ही नहीं है, सूने हृदय में कहती हैं कि सुंदर साथ जी पता है क्या कहती हैं, कहती हैं हमने तो इतनी मीठी आपकी वाणी सुनी हुई है धनी, इतनी मीठी इन कानों से सुनी हुई है आपकी वाणी, इतना मीठा मुखार बिंद कितनी बार, हम तो उसी में गलित गलतान रहा करते थे, आज हृदय इतना सूना हो गया है, इतना सूना हो गया कि सिंगार आपका पढ़ पढ़ के कि उसमें कितनी बार श्रवण अंग का जब वो वर्णन करते हैं तो बोलते हैं दिल भी श्रवण अंग के अधीन हो गया है, क्योंकि श्रवणों से ही बात अंदर दिल में उतरती है, इस प्रकार की शोभा जब श्रवण अंगों को देते हैं तो कहते हैं आज इतना सूना ये हृदय हो गया कि पढ़ 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 के भी हमारा हृदय वो आत्मसात नहीं कर पा रहा, आपकी वो मीठी वाणी जो हमारे ही दिल में बैठकर आप बोलते चले जा रहे हैं हमें सुनाई नहीं दे रही, आपके मुखार बिंद का वर्णन हो रहा है हम उसको रोज सुन रहे हैं, पर ये हृदय सुंजे हृदय ना चढ़ित, सूने हृदय में ऐसा है कि वो चढ़ता ही नहीं। आगे क्या कहती हैं, फिर उनसे प्रार्थना करती हैं, कहती हैं किए चढ़ाइए तू, एक तू ही ऐसा है पिया जो मेरे हिये में चढ़ा सकता है इस शोभा को, तो धनी जी आप ही मेहर करके आप ही इतना प्रेम मेरे हृदय में चढ़ा दीजिए कि आपका ये सिंगार, आपकी मीठी बोली, आपके मीठे शब्द, आपकी मीठी वाणी मेरे कानों को भी सुनाई देने लगे, क्योंकि इन कानों से तो सुननी ही नहीं हृदय से सुननी है, और हृदय में प्रेम के पूर बहने बहुत जरूरी हैं, मंदिरों में नहीं मिले, सन्यासियों के पास, दत्तात्रेय सन्यासियों के पास मिले तो नहीं, पर वो क्या करते हैं सन्यासी, दत्तात्रेय जी द्वारा दिखाए गए ध्यान मार्ग यानी के ध्यान यानी साधना चितवन की भी चर्चा किया करते हैं, तो इनसे पहली बार थोड़ा ध्यान के बारे में सुनकर देवचंद्र जी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान मार्ग की क्योंकि वो चर्चा करते हैं किसी मंदिर में नहीं, पहली बार देवचंद्र जी दीक्षा ग्रहण करते हैं किनसे, महर्षि दत्तात्रेय के अनुयायियों से यानी सन्यास मत वालों से, पहली बार अपनी जिंदगी में दीक्षा ग्रहण करते हैं वो, और कुछ माह तक उनके पास रहते भी हैं, उनकी बताई हुई जो साधना होती है जो पद्धति वो बताते हैं कि इस प्रकार से तुम तपस्या साधना ध्यान करो तो तुम्हें मिल सकते हैं, कुछ मास तक उनके पास रहते जाते हैं, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हृदय को शांति नहीं मिल रही, अंदर एक संतोष नहीं हो रहा कि जिसको मैं खोजने निकला था वो मुझे मिल गया है, इस प्रकार की मन गवाही नहीं दे रहा, तो कुछ माह तक उनके पास रहकर फिर चल पड़ते हैं सुंदर साहब जी, दूसरी जगह चल पड़ते हैं, अब कहाँ पहुंचते हैं सोचिए, कितने माह तक सुंदर साहब जी, कहना बहुत आसान करना बहुत मुश्किल, माह कहना कितना आसान, महीनों तक उनके पास रह के
कुछ नहीं मिल रहा पर इस आशा में कि शायद आज नहीं मिल रहा, शायद कल, कल और समय देते हैं। ऐसा नहीं धैर्य खो देते हैं दो ही दिन में कि इनसे तो कुछ नहीं मिलेगा मैं चलता हूं, नहीं। यहाँ जब वो घूम रहे हैं तो हमें पाठ पढ़ा रहे हैं इसका कि धैर्य कभी मत खोना अपनी जिंदगी में। यदि कोई चीज, यदि कोई डिटर्मिनेशन ली है तो कुछ समय उसको कम से कम देना कि वो पूरित होता है या नहीं। फिर यदि दिल गवाही देता है कि नहीं ये नहीं, वो भी धनी जी की प्रेरणा से फिर आगे बढ़ना। तो हमें हर पग पग पर जैसे देवचंद्र जी पग धरते जा रहे हैं, हमारे लिए शिक्षा छोड़ते जा रहे हैं। सुंदर साहब जी, धर्म के 10 लक्षणों में भी धैर्य आता है। तो आज हम भी प्रण करेंगे सुंदर साहब जी कि अपने जीवन में चाहे वो माया की कोई बात हो, उन पे तो ध्यान देना ही नहीं है, पर माया के भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे डेली लाइफ में आते रहते हैं, धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य खोने से भी क्रोध भी आता है। तो धीरे धीरे जैसे राजी के दिल की इच्छा होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा जीवन चलता जा रहा है सुंदर साहब जी। तो धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक होता जाएगा, चाहे वो माया हो। और चितवन में सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, चितवन में धैर्य जरूर रखिए, जरूर हमारा हृदय सूना है, इसलिए हमें धनी के दर्शन नहीं हो पा रहे सुंदर साहब जी। पर वो सूना हृदय धीरे धीरे भीगता तो जा रहा है ना, तो धैर्य रखिए। जैसे ही धनी उसको अपने माफिक बना लेंगे, बिना माफिक के भी अंदर आके बैठे हुए हैं ना, बैठे ही हुए हैं ना सुंदर साहब जी, जब हम उनके दर्शन के लायक हो जाएंगे, उनके माफिक हो जाएंगे कि उनके दर्शनों को, उनके मुखार बिंद के नूर को सहन तो कर पाए, बस उस लायक बना रहे हैं सुंदर साहब जी। तो जैसे ही ये विकार धीरे धीरे छूटने शुरू होंगे, हम उनके लायक कभी नहीं हो सकते सुंदर साहब जी। जब वो मेहर भरी दृष्टि करते हैं, एक पल नहीं लगता वो अपने लायक, क्योंकि वो क्षण धनी जी ने सोचा हुआ है कि इस रूह को मैंने इस समय मिलना है, बहुत बड़े मास्टर प्लानर हैं। तो धैर्य के साथ रोज चितवन में बैठिए, दासता से नहीं अधिकार से मांगिए। अधिकार के साथ समर्पण आएगा या समर्पण के बाद अधिकार आएगा, राजी जाने। जो आप करो, ज्यो जानो त्यों करो। हम इंद्रावती जी के रास्ते पर चलना शुरू तो करें, कोई इंद्रावती जी नहीं बन सकता, पर कम से कम उनका करोड़वां अरबवां अनंतवां भाग बनने की कोशिश तो करें सुंदर साहब जी। तो अब चलते हैं सुंदर साहब जी, सन्यासियों के पास कुछ टाइम रहते हैं, फिर उसके बाद कहाँ जाते हैं, नाथ पंथ के अनुयायी। उनको क्या कनफटे योगी भी कहा जाता है, क्योंकि वो कान अपने फड़वा के रखते हैं, तो उनका नाम कनफटे योगी पड़ गया हुआ है। तो उसके बाद सबसे पहले कहाँ गए, मंदिरों में गए। उसके बाद पर दीक्षा नहीं ली सुंदर साहब जी, उनके बाद गए दत्तात्रेय के संन्यास मत वालों के पास, वहां पर दीक्षा ले ली, पहली बार दीक्षा ले ली। अब कहाँ जा रहे हैं, नाथ पंथ के अनुयायी, उनको कनफटे योगी भी कहा जाता है। उनको तो सुंदर साहब जी अपनी सिद्धियों का बहुत ही अभिमान है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हो चुके हैं, इनका नाम भी कनफटा पड़ चुका है। तांत्रिक टाइप के होते हैं सुंदर साहब जी, ये खोपड़ी हाथ में लेकर चलते हैं, इस प्रकार के वो योगी, और वो राजगुरु कहलाते थे। वे राजगुरु कहावते, यानी के राजा जिनका शिष्य होता है ना, उनको राजगुरु कहा जाता है। उनको तो, राजाओं को तो चाहिए यही कुछ होता है कि इस प्रकार का कुछ किया जाए कि हमारे काम बन जाए, कहीं हम उस रास्ते पर तो नहीं चल रहे। देवचंद्र जी सिखा रहे हैं, इसके माध्यम से सिखा रहे हैं, कभी ऐसा कार्य ना कीजिए। सुंदर साहब जी प्रण लेते हैं आज कि यदि कभी किया भी हो तो धनी माफ कीजिएगा, आज के बाद कभी किसी तांत्रिक के पास या किसी पंडित के पास ये करवाने नहीं जाएंगे कि अगर ये हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़े पंडित
हमारे पिया जी हैं। ऐसा कौन सा काम है जो धनी की शरण में आकर नहीं हो सकता पर कोई और कर सकता है? दुनिया का भी मांगने का दिल करता है, कहीं और से नहीं। सुंदर सा जी, अपने पिया से मांगिए, एक स्टेज ऐसी आएगी हर सुंदर साथ के जिंदगी में, उनके जीवन में आएगी कि माया का मांगना बंद करके पिया से अपनी बात करेंगे, अपना प्रेम मांगा करेंगे। और एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब मांगना ही नहीं पड़ेगा, जब पता है कि मैं और तू एक ही हो गए। जब एक ही हो गए तो कौन मांगे और किससे मांगे, क्या वो देखते नहीं है? यदि सुंदर साथ जी, एक कहा जाता है राम कृष्ण परमहंस जो हुए हैं वही हैं, उन्होंने यदि आज तक नहीं मांगा, उनको कैंसर हो गया, उन्होंने नहीं मांगा कि देवी देखती है ना, मैं क्यों उनसे मांगने जाऊं। राम कृष्ण जी जो हुए तो कहते हैं कि उसको पता है ना मेरे मांगने से, क्या वो देखती नहीं है? इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है कि धनी पल 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 मेरे हृदय में निवास करते हैं, अर्श दिल को बनाकर बैठे हैं। आज के बाद पिया के अलावा, धनी के अलावा, युगल स्वरूप के अलावा किसी को नहीं पूजेंगे। सुंदर सा जी, दिवालियां होलियां तो आती ही रहेंगी पर किसी का पूजन हम नहीं करेंगे, अपने धनी का पूजन करेंगे, युगल स्वरूप का करेंगे। सुंदर सा जी, तो कच्छ में कहां पहुंचे हुए हैं, याद रखिएगा, कच्छ में इस समय सुंदर सा जी देवचंद्र जी पहुंचे हुए हैं। शिष्यों की संख्या बहुत अधिक है उनकी, इनकी नाथ पंथ के कनफटे योगियों की, और उसी प्रकार से शिष्यों की संख्या ज्यादा होती है तो अभिमान तो अपने आप ही साइड इफेक्ट होता है उसका, वो तो अंदर आने ही लग जाता है। अब देवचंद्र जी उनसे भी चर्चा करते हैं, धर्म चर्चा करके, उनसे बात करके अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं, समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी विधियां बताते हैं कि इस प्रकार से करो तो परमात्मा पक्का मिल जाएंगे। देखो हम सबको, देखो कितने शिष्य हमारे हैं, तो इसीलिए तो हमको मानते हैं, तुम भी इस प्रकार से करोगे तो परमात्मा तुम्हें मिल जाएंगे। उनकी बताई हुई विधि से देवचंद्र जी, ऐसा नहीं कि लगता तो नहीं है मिल जाएंगे, एक दो दिन में ही छोड़ देते हैं, नहीं, फिर भी कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक उनके पास भी रहते हैं। अब वो थोड़े एक्सपीरियंस्ड होने लग गए हैं। हम भी सुंदर साथ एक या दो बार कुछ रिसर्च करें ना, तीसरी बार में समझ आने लग जाती है कि अच्छा इस प्रकार का, थोड़े दिन पहले, थोड़े मास, अब थोड़े दिनों में एक्सपीरियंस्ड, परिपक्व होते जा रहे हैं, थोड़े दिनों में दिल गवाही देने लगता है कि नहीं, यहाँ पर लगता है विशेष अनुभूति उनके अंदर कुछ हुई नहीं। सुंदर साहब जी, अंतरात्मा की जो साक्षी होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी आवाज को जरूर जरूर सुनते रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसकी आवाज को दबाते आए हो? सुंदर साहब जी, अंतरात्मा हर एक की साक्षी देती है, जितना नजरअंदाज करेंगे उतनी उसकी आवाज धूमिल पड़ती जाती है, क्योंकि आवरण हम पे पड़ता जाता है। क्या लिखते हैं देवचंद्र जी के इसमें, महामती जी लिखते हैं, श्री लालदास जी से लिखवा रहे, साथ ना होए अंदर। तो अंतरात्मा कोई गवाही, कोई साक्षी नहीं दे रही, कोई साक्षी नहीं दे रही, तो कुछ दिनों तक उनके पास रहकर आगे चलते हैं। अब किनके पास जा रहे हैं सुंदर साहब जी? कापड़ी वैरागियों के पास। अब नाथ पंथ से यानी कनपटे योगियों के बाद चलते हैं कापड़ी वैरागी। कापड़ी वैरागी बहुत सुंदर स्वामी जी लिखते हैं, उनको कापालिक वैरागी भी कहा जाता है। कापालिक का जो अपभ्रंश होता है ना, बिगाड़ कर जिसको बोलते 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 वही यूज होने लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, शमशान या निर्जन स्थानों पे साधनाएं किया करते हैं, तांत्रिक साधनाएं, नशे भी करते हैं, और ऐसी अभक्ष्य चीजें जो नहीं खानी चाहिए वो भी खा लेते हैं। इस तरह के लोग स्वयं को वैरागी कहते हैं। सुंदर साहब जी, तो कहाँ कहाँ देवचंद्र जी भटक रहे हैं, बहुत सुंदर स्वामी जी लिखते हैं। मैं उनको, आपको उनके ही शब्दों में एक बार जरूर
दिखाना चाहूंगी। दिल में आ रहा था कि बड़े दिन हो गए स्वामी जी का लिखे हुए के हमने दर्शन भी नहीं किए, तो आइए देखते हैं क्या लिखते हैं स्वामी जी। साधना का अर्थ होता है साध्य को पाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाए। चितवन करते हैं तो वो भी साधना ही है, क्योंकि धनी को हमारे साध्य तो हमारे पिया जी हैं, तो वो भी एक साधना है। वाणी का चिंतन करते हैं तो वो भी एक साधना है। साधना का तात्पर्य केवल योग साधना नहीं है। अब इसके पश्चात देखिए क्या कहाँ कहाँ जा रहे हैं सुंदर साथ जी। अभी कनफटे योगियों के पास, कनफटे के बारे में स्वामी जी क्या लिखते हैं, जो गुरु गोरखनाथ के अनुयायी थे। आज भी हठ योगी जगह जगह देश में मिल जाते हैं। इन्होंने अपने कानों को फड़वाया होता है, उसमें बड़े बड़े बाले भी पहनते हैं। हठ योग की साधना करते हैं। कच्छ देश में उनका बहुत अधिक प्रभाव था। देवचंद्र जी जाकर देखते हैं, ये तो राजगुरु कहलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, दीक्षा मंत्र लेते हैं, उनके द्वारा बताई हुई पद्धति से ध्यान भी करते हैं। हठ योग की सारी क्रियाएं, नेती धोती वस्ती सब सीखते हैं। जैसा वो कहते हैं सब करते हैं, लेकिन संतोष नहीं होता। क्यों संतोष नहीं होता सुंदर साहब जी? क्योंकि ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है वह खोजे अपने आप को और खोजे अपनों घर। वो स्वयं को जानना चाहती है, अपने मूल घर को देखना चाहती है। जब परम धाम दिख नहीं रहा, युगल स्वरूप दिख ही नहीं रहे, परात्म का श्रृंगार नहीं दिख रहा, तो हठ योग पतंजल योग की सिद्धियां लेकर करेंगे भी क्या? अब इसलिए यहां से उनका मन हट जाता है, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल देते हैं। देखिए ऐसे नहीं कि मुझे आपसे कुछ मिला नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, अब मैं कहीं और खोजने जाऊंगा। नहीं, दिल तो किसी का दुखाना ही नहीं है सुंदर साहब जी, अपने गुरुदेव को प्रणाम करके चल देते हैं। नम्रता सीखनी है सुंदर साहब जी हमने। इस बीतक में सुनना नहीं है सुंदर साहब जी, जीवन में उतारते जाएंगे तो सूना हृदय कब भरा हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। गुरुदेव जी मुझे कहीं और जाने की इच्छा है। देखिए संसार सो रहा है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, पूरा संसार सो रहा है, एक 16 वर्ष का बालक घूम रहा है। क्यों? कि जिज्ञासाओं का समाधान चाहिए, मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे ऐसा ज्ञानी गुरु चाहिए जो बताए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। सत्य की प्राप्ति के लिए सुंदर साहब जी कठोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। किसको उठाने पड़ते हैं? श्यामा जी को उठाने पड़ते हैं, प्राणनाथ जी को उठाने पड़ते हैं। हमने तो कोई कष्ट नहीं उठाए सुंदर साहब जी, हमें तो परोस कर दे दिया। दोए जामे जो पहरे श्यामा जी ने, उन्होंने परोस कर दे दिया, ये रहा सत्य, लो इसको ग्रहण करो। दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। जो भी महान हुए उन्होंने सारी बाधाओं को पार करके ही इस महान लक्ष्य की प्राप्ति की है सुंदर साहब जी। इसके बिना तो जो भी संकल्प करें उसको छोड़े नहीं सुंदर साहब जी। दृढ़ संकल्प बहुत जरूरी, अति जरूरी। सुबह नहीं उठा जाता, देखिए सुनीता दीदी को हमने देखा, सुबह नहीं उठा जाता। अब संकल्प ऐसा हुआ, ऐसा दृढ़ हुआ, ऐसा खींचा धनी जी ने, रोज सुबह उठकर हम बैठ जाते हैं। एक एक सुंदर साथ से हम सीखेंगे। मैंने भी सुंदर साथ जी 15-15 मिनट करके पीछे करने की कोशिश की। इस समय नहीं उठा जाता, 15 मिनट पीछे कीजिए, उस पर जमे रहिए, उस पर डटे रहिए एक हफ्ते तक। फिर 15 मिनट और पीछे किया, क्योंकि जीव है ना, ये जीव बहुत निष्ठुर है, खाने की तरफ सोने की तरफ हमको धकेलता रहता है, क्योंकि पूर्व संस्कार ऐसे इसके साथ लगे हुए हैं कि धनी की ओर बढ़ने ही नहीं देते। पर अब बस, अब ये जीव हो मन हो, उसको अपने हाथों में ले लीजिए सुंदर साहब जी, कहीं जा नहीं पाएगा। हमारे महाराज जी सुंदर साहब जी, हमारे शेरपुर वाले महाराज जी, परम हंस महाराज,
श्री राम रतन दास जी, सुंदर साथ जी 19 वर्ष की अवस्था में घर से निकल गए थे। स्वामी जी बार बार उनके चरणों में नमन करते हैं कि उनकी साधना को देखिए, उनके तप को देखिए, उनके हृदय की तड़प को देखिए। 16 वर्ष के देवचंद्र जी इधर 19 वर्ष के हैं, महाराज जी भी घर से निकल गए, कई वर्षों तक खोज में घूमते रहे, कोई मिला नहीं उनको बताने वाला कि धनी कैसे मिलेंगे। पेट और पीठ उनकी एक हो गई है सुंदर साथ जी, पेट पीठ में धस गया है, कई कई दिनों तक भोजन नहीं किया, ऐसी स्थिति आई कि कमर में लंगोट भी बाकी नहीं रहता। सुंदर साथ जी पूरा संसार आराम से खा पी रहा होता है पर ब्रह्मांगनाओं को चैन नहीं है, हमारे परमहंस महाराज जी को चैन नहीं है, देवचंद्र जी को चैन नहीं है, पूरा संसार कोमल गद्दों पे सो रहा होता है पर उनको नींद नहीं आती क्योंकि परमात्मा की खोज में भटका हुआ, राज्जी की खोज में भटका हुआ प्रेमी तरह तरह से कष्ट उठाता है पर उसके अंदर इतना, उसको अंदर इस खोज से भी शांति मिल रही है कि मैं निकला किसके लिए हूं, भूख प्यास की कोई चिंता नहीं, सोने की कोई चिंता नहीं, कोई सम्मान कर रहा है, कितनी बार गालियां दे देते हैं, कितनी बार अपमान कर देते हैं, उसको कोई चिंता नहीं क्योंकि वो तो प्रेमी है, उनके हृदय तो प्रेम से भीगल हो चुका है। सुंदर साथ जी राम रतन दास महाराज जी के चरणों में कोटान कोटान कोट प्रणाम, यदि हम एक एक कण भी उनका ग्रहण कर पाए उनके जीवन से, सुंदर साथ जी गांव गांव भटकते हैं, लोगों के ताने भी सुनते हैं, किस लिए कि अपने प्राणेश्वर को पालें। देवचंद्र जी ने ही ये रास्ता दिखाया है और हमारे सारे परमहंस उस पर उन्होंने चल के दिखाया। सुंदर साथ जी आज एक समय का हमें भोजन ना मिले ना तो दिल को कैसे कुछ होने लगता है, कभी सोचा है कि देवचंद्र जी पे क्या बीती होगी, हमारे महाराज जी पर क्या बीती होगी जब वो भूखे रहते होंगे इतने कि पेट पीठ एक हो जाए। सुंदर साथ जी कभी दिल में दर्द आता है कि उन्होंने कितनी तपस्या हमारे लिए की है और कितना खोजा है कि हमें ना खोजना पड़े, पका पकाया हमारे सामने रख दिया। सुंदर साथ जी ऐसा भी नहीं कहते हैं, कहते रहे खा लो हमने खाया नहीं, फिर अपने सुंदर हस्त कमल से हमारे मुख में डाल रहे हैं और हम ऐसे निकृष्ट हैं कि मुख चलाते भी नहीं, वो कहते हैं चलाना तो तुमको पड़ेगा, मैं तुम्हारा मुख कैसे चलाऊं, हम अंदर ही रख रहे हैं। सुंदर साथ जी उस ब्रह्म ज्ञान को मुख में ही रख के अंदर हृदय में जाने ही नहीं दे रहे। तो सुंदर साथ जी शब्दों में ना रह जाए, इस बार शब्दों में ना रह जाए, हृदय में उतर जाए, एक 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 शब्द, एक एक प्रेम की वो लहर जो हमें दी हमारे परम हंसों में, हमारे हृदय को भी छू जाए, हमारा भी हृदय पाक साफ हो जाए, हमारा भी हृदय हूक करे, उसमें से भी हूक निकले, ये पुकार निकले कि मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, कब आओगे कब आओगे। सुंदर साथ जी स्वामी जी कहते एक बार उन्होंने बात सुनाई थी, जब साधना में वो बैठा करते थे, आज भी बैठते हैं, बस हृदय से एक पुकार निकलती थी कि मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे राज रसिक, कब आओगे मेरे हृदय में, कब आओगे। सुंदर साथ जी वही पुकार लेकर हम भी बैठे, आवो जी वाला मारे घेर तम, आवो जी वाला का अर्थ यही तो है कि वाला जी मेरे धाम हृदय में आए तो हैं, मुझे भी दिखाई दीजिए, मेरी भी अंतर्दृष्टि खोलिए कि आप जो यहाँ बैठे हैं मैं भी आपको देख पाऊं। तो सुंदर साथ जी कन फटे, फिर कापड़ी वैरागियों के पास जाते हैं, उनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, फिर थक हार जाते हैं, सोचिए कितने महीने उनको हो चुके होंगे, महीने सुंदर साहब जी, घंटे नहीं, मिनट नहीं, दिन नहीं, महीने,
कितने महीने उनको हो चुके हैं इस प्रकार इधर से उधर घूमते हुए। स्वामी जी कहते हैं ऐसे कुल से हैं, भिक्षा भी नहीं मांगते होंगे, वो तो दे दिया किसी मंदिर में गए, खाना ना मिला तो कोई बात नहीं। अब जाते हैं मुल्ला जी के पास, सुंदर साहब जी मस्जिद में चले जाते हैं, इधर नहीं मिल रहा तो आज मस्जिद का द्वार दिख गया तो उसी में चले जाते हैं, शायद तो कुछ नहीं छोड़ा सुंदर साहब जी उन्होंने। मुल्ला जी के पास जाते हैं, उनके पास भी रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या देखते हैं 5 बार नमाज बिल्कुल स्केड्यूल के साथ, बिल्कुल रेगुलर डिसिप्लिन के साथ 5 बार नमाज पढ़ते हैं, पर उसी को सब कुछ मान बैठे, कोई त्याग नहीं। बस ये कि 5 बार नमाज शरीयत की भक्ति हम करते हैं और परमात्मा हमारे अंग संग है, तो वहां पर भी देवचंद्र जी को कुछ नहीं मिलता। सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ भटक 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 कर, कितना कुछ सहन करके कोशिश कर रहे हैं एक सिरा हाथ आ जाए। वो जो मुझे दर्शन दे गया था ना, वो था कौन, वो है तो मेरा प्राण प्रियतम, यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, क्योंकि अंदर अब ढाढ़स है कि धनी मेरे हाजिर, वो मेरे पास हाजिर हैं, ये मुझे पता है कि हर समय मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, जहां जहां मैं जा रहा हूं वही मुझे लेकर जाएंगे, वही मुझे लेकर जा रहे हैं, बस वो हैं कौन मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं, और मैं स्वयं कौन हूं पहचान नहीं पा रहा, पर उनसे मेरा संबंध तो है जो हर पल मेरे साथ रहते हैं। सुंदर साथ जी 4 वर्षों तक 4 वर्ष, जिसमें से 18 महीने तो उनके पास रहे थे जिनसे उन्होंने दीक्षा ली थी सुंदर साहब जी, 4 वर्ष तक, साल हो गए अब महीने नहीं रहे सुंदर साहब जी, 4 वर्षों तक तरह तरह के संप्रदाय के विद्वानों से मिलते हैं। सोचिए कितनी उनकी उम्र हो चुकी होगी इस समय, केवल जिज्ञासा कि मेरी शंकाओं का कोई समाधान तो कर दे। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं ना, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मैं जिंदे हाथ बिकाऊं, मैं तो उसके हाथ में बिक जाऊं जो मेरे प्राण प्रियतम की खबर मुझे दे दे, जो उससे मुझे मिला दे। जैसे कि सस्सी कहती है कि पुन्नू के आने की कोई बधाई ही दे दे, मैं उसके उसके चरणों में अपना सिर बार बार हजार बार काट के अर्पण कर दूं कि मेरे पुन्नू के आने की बधाई ही दे दे, कोई झूठी बधाई ही दे दे, मैं उसके ऊपर सिर वार दूं। सुंदर साहब जी हमारे प्राण पिया अंदर बैठे रोज बुला रहे हैं, बोलते किसी और को क्या कहना, मैं स्वयं तुम्हें बुला रहा हूं, रोज बैठ के हम नहीं वारते, हम वारी वारी नहीं जाते। सुंदर साहब जी माया बहुत प्यारी है, हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास बहुत काम है, धनी आप तो फ्री हो, आप तो ब्रज में भी फ्री थे, बांसुरी बजाने आ जाते थे, पर पुरुष भी थे आप, और हमारे पति थे, हमारे बच्चे थे, हमारे सास ससुर थे, आज भी वही है, आज कोई परिस्थितियां बदली नहीं है सुंदर साहब जी, आज भी हम यही सोचते हैं, आप तो 24/7 वेले बैठे हुए हो, आपके पास तो कोई काम ही नहीं है, पिया हमें काम दिए हैं सारे, हमें सारे काम करने पड़ते हैं, उन्होंने कभी कहा है ये काम रोक दो, वो तो कहते हैं काम करती रहो, बस हृदय में मेरा प्रेम मेरी याद बनी रहे। इंद्रावती जी बड़ा सुंदर कहती हैं सुंदर साहब जी कि ऐसी माया है कि मेरे पिया की याद अंदर बनी रहने ही नहीं देती, और प्रियतम को भी उलाहना देती है कि धनी ये आपने ही लगाई है, आप इसको दूर करो, तो क्यों ना राजी से ही मांगे कि पिया जी ऐसी माया हो कि ये चलती रहे, साथ साथ जो होता है होता रहे, पर मेरे हृदय में एकमात्र राज्य हो तो राजी का हो, इसीलिए तो राज है कि राज्य हृदय में उनका है। सुंदर साहब जी फिर मुड़ जाइए, रोज मुड़ जाइए, हर पल
हर घड़ी पर नजर रखिए कि कहीं ये घड़ी मेरे पिया के नाम के बिना, जब उनका नाम मेरे हृदय में ना चल रहा हो, उसके बिना तो नहीं चली गई। बार बार फिर फिर इसको साधते रहिए कि मन तू कहाँ जा रहा है, उसकी तरफ जा जो हर समय तेरे साथ लगा हुआ है, तेरे हृदय में बैठा हुआ है। सुंदर साथ जी, गुरु नानक देव जी जब कहते हैं कि मैं उसके अधीन हो जाऊंगी जो प्राणेश्वर से मिला देगा, बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी, सही समय पर सच्ची राह दिखाने वाला बहुत जरूरी होता है। आपने देखा ना, देव चंद्र जी के अंदर तो सब कुछ है, तड़प भी है, आत्म भी है, धनी भी साथ में है। सच्चा पथ प्रदर्शक यानी कि सतगुरु कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमने तो जाना ही नहीं, हमें तो जन्म से मिल गए थे पिया, हमने तो आपकी वैल्यू को समझा ही नहीं। वैल्यू पूछनी है तो देवचंद्र जी से पूछिए कि सतगुरु की महत्ता क्या होती है, जिसने खोज खोज कर पाया हो, इतने इतनी तड़प से पाया हो, उससे पूछिए सतगुरु होते क्या है सुंदर साथ जी। और सतगुरु के बिना किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार ब्रह्म से मिला सके। क्यों? क्योंकि सतगुरु रूप में स्वयं ही आए हैं। पिया के बिना ऐसा कोई है ही नहीं जो पिया की राह, पिया का ठौर बता सके सुंदर साथ जी। अब सब जगह ढूंढ 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 के 4 साल बीत जाते हैं सुंदर साथ जी। आध्यात्मिक प्यास अंदर इतनी है, पर दुनिया ऐसी कि हर मत मतांतर में खोज खोज के मिल ही नहीं रहा। अब अंत में चारों ओर से थक हार के भोज नगर आते हैं सुंदर साथ जी। भोज नगर में आते हैं तो वहां उनकी भेंट किससे होती है? हरिदास जी से। राधा वल्लभी मार्ग को वो मानते हैं। कल दुष्यंत जी ने एक वीडियो डाला था, वो भी राधा वल्लभी मार्ग वाले ही लोग हैं जो उनको मानते हैं। और कैसी भक्ति वो राधा जी की करते हैं, कृष्ण जी की करते हैं सुंदर साथ जी। उनकी भक्ति के सामने तो हमारा ये जीव कहीं ठहरता नहीं है। जैसी भक्ति ये कर दिखाते हैं, जिनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है। आज हम सुंदर साथ उनके सामने कहीं ठहर नहीं पाते, इतना प्रेम हृदय में लेकर उनको कैसे रिझाया जा सकता है, अपने इष्ट को बेस्ट पॉसिबल कर रहे हैं। हालांकि योग माया सबलिक या फिर काल माया से आगे उनका ध्यान नहीं जाता सुंदर साथ जी, सबलिक में जाना भी बहुत ही मुश्किल है। तो हरिदास जी सखी भाव से राधा वल्लभी मार्ग वाले, जैसी राधा करती थी ना, राधा जैसे कृष्ण जी के लिए थी, वैसे स्वयं को सखी भाव मानकर पूरे भाव से उनकी सेवा किया करते हैं। बांके बिहारी जी की सेवा, बांके बिहारी जी की सेवा भी पधराई है उन्होंने, और बाल मुकुंद जी को भी पधराया है। अब तो हम सब सुंदर साथ जी को पता है, बांके बिहारी जी यानी के सबलिक के महाकारण में जो अखंड है, रास बिहारी जी, और सबलिक के कारण में ब्रज में जो अखंड है बाल मुकुंद जी, उनकी मूर्तियों को पधराया उन्होंने अपने मंदिर में। पहली बार देव चंद्र जी के दिल में उनकी सेवा छू जाती है कि इनको ना तो नाम से कुछ लेना देना है, ना धन से कुछ लेना देना है, ना इनको प्रतिष्ठा की कोई चाह है, बस चाह है तो उसके प्रेम की। सखी भाव से इतना सुंदर रिझाते हैं हरिदास जी कि देव चंद्र जी बहुत इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। गर्मी है तो पहले ही गर्मी के महीने आने वाले हैं, पहले ही पंखे की और हर तरह की व्यवस्था, ठंडक की व्यवस्था उनके लिए कर देते हैं सुंदर साथ जी। कितनी वो मेहनत करते हैं, गर्मियों के हिसाब से 4-5 बार नहाए आते हैं, बार बार पसीना आता है, बार बार सेवा करने जानी, हर बार नहा कर जाना है। सर्दियों में भी 2 बार नहा लेते हैं सुंदर साथ जी। इतने भाव से वो सेवा करते हैं उनकी, जैसे एक सखी कान्हा को प्यार कर सकती है वैसे उनकी सेवा करते हैं। निष्ठा पूर्वक रोज
बिना थके बिना रुके, और जब ठंड आती है तो अंगीठी की व्यवस्था, गर्म कपड़ों की व्यवस्था, और गर्मियों में ठंडे पतले कपड़ों की यानी के बागा वस्त्र, जैसा भी उनको वस्त्र ओढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल मौसम के हिसाब से, बिल्कुल ऐसे जैसे वो साक्षात सामने बैठे हों और उनकी सेवा की जाए। इस प्रकार की सेवा ऋतु के आने से पहले तैयार रहते हैं, इत्र की भी व्यवस्था कर लेते हैं, जलाने वाली लकड़ी का अंगीठी के लिए सब व्यवस्था पहले ही करके रखते हैं। सुंदर साथ जी बांके बिहारी की सेवा करते थे और ऐसा सोचते थे आज किस वस्तु से उनको रिझाऊं, आज किस वस्तु की आवश्यकता है मेरे आराध्य को। कितनी बार स्नान कर करके शरीर शुद्धि करते हैं सुंदर साथ जी, ये सांच वटी देख के ऐसी करे ना कोई, ये सच्चाई उनके अंदर देखकर, ये सांच वटी उनके अंदर देखकर सच्चाई सच्चाई को खींच लेती है सुंदर साजी, क्योंकि धनी ने सोच रखा है, धनी के हृदय में आई है, इसलिए ये हो रहा है। बस सुंदर साजी ये सच्चाई उस सच्चे हृदय को खींच लेती है कि प्रेम करो तो ऐसे करो। आराध्य के प्रति बड़ी सुंदर निष्ठा को देखकर देवचंद्र जी प्रभावित हो जाते हैं, लगता है ये ठिकाना मेरी आत्म को मेरे धनी से जरूर मिला देगा। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, ये सांच वटी देख के करने लगे विचार। हरिदास जी की इतनी नजदीकी पाकर, उनके साथ रहकर, उनकी सच्चाई को देखकर, उनकी सेवा को देखकर सत्य कैसे खींच लेता है सुंदर साथ जी। तो हमेशा सत्य बोलिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, शायद थोड़े समय के लिए परिस्थितियां विषम हो सकती हैं सत्य बोलने के कारण, बट बिलीव बिलीव कि वो सही हो जाएंगी। सत्य पर खड़े रहिए, डटे रहिए, और प्रेम करना है, सेवा करनी है, और यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं सुंदर साथ जी। झूठ बोलना भी पड़े, किसी की जान पर बनाई है उसको ही बचाना पड़ रहा है, उन परिस्थितियों में शायद वो सत्य समझा जा सके, पर कभी भी सत्य के मार्ग से ना डिगिए। चाहे पैसा दिया जाए, चाहे प्रतिष्ठा दी जाए, चाहे कोई भी काम बनता हो, पर सत्य के मार्ग से कभी ना डिगिए। धनी के सबसे करीब वो है जो सत्य और सत्य से प्रेम करता है सुंदर साजी, क्योंकि हमारी ब्रह्मवाणी तो है ही सत्य का ज्ञान। अब देवचंद्र जी के हृदय में आता है इनकी सेवा करके इस अखंड ज्ञान को प्राप्त करूं, और इस सेवा को प्राप्त करूं, जो उनके हृदय के अंदर प्रेम है ना, वो प्रेम मेरे हृदय में भी आ जाए। सेवा कैसी करती हैं श्यामा जी, अंदर बैठी हैं श्यामा महारानी, पर सेवा में तो सबको पीछे छोड़ जाती हैं। सेवा का ये उदाहरण सुंदर साथ जी लेना है तो श्यामा जी से लीजिए कि सेवा की कैसे जाती है। चाहे कनफटे योगी क्यों ना हो, चाहे कापड़ी वैरागी क्यों ना हो, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, गुरुदेव अब मैं चलता हूँ, और सेवा ऐसे करेंगे कि तन मन सब कुछ उन पर वार देंगे कि मेरे लिए एक शब्द भी यदि उन्होंने सुनाया है तो उस पर वारी वारी मैं जाऊं। किस प्रकार सेवा करते हैं सुंदर साथ जी, हमारी तो नींद ही पूरी नहीं होती, 3 घंटे सोते हैं सिर्फ, केवल 3 घंटे, 12 से 3 बजे तक रात को, और कोई ना दिन में सोते हैं ना उसके बाद, कहाँ से नींद आएगी, जिसके अंदर इतनी तड़प की अलख लगी हो उसको नींद कहाँ से आएगी। हमें नींद क्यों आती है, क्योंकि हमारे अंदर वो तड़प है नहीं सुंदर साथ जी। जब वो तड़प आती है ना तो नींदें उड़ जाया करती हैं, वो भी शायद इसलिए सोते होंगे कि 3 घंटे तो
दिखाने के लिए भी सोना पड़ेगा कि मैं सो गया हूँ। उस समय भी पता नहीं उनकी आंख लगती होगी कि उस समय भी अंदर तड़पते ही रहते होंगे कि मेरे सामने आ जाओ पिया जी। नियमबद्ध नियम तो कभी तोड़ना ही नहीं, उनसे ज्ञान चर्चा भी सुनते हैं, सारा दिन सेवा में लगते हैं, बुहारते भी हैं, आंगन भी बुहारते हैं, मंदिर भी साफ करते हैं, सारी सेवा जो जो हरिदास जी करते हैं ना, साथ लगकर आगे बढ़कर कहते नहीं है उनको हरिदास जी, स्वयं सेवा की भावना। सुंदर साहब जी, कहने पर सेवा हुई तो क्या हुई, स्वयं सेवक बने। हम सब उसमें शर्म ना महसूस करें कि मैं क्यों कहूं, मुझे कहा जाएगा तब करेंगे। नहीं सुंदर साहब जी, अभी तो धनी मिले ही नहीं, तो हरिदास जी की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहे, बांके बिहारी बाल मुकुंद जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही श्यामा जी। सुंदर साहब जी, लिखा हुआ है स्पेशल, कहा नहीं गया उनको कभी, जैसे ही हरिदास जी सेवा करने उठते हैं साथ में देवचंद्र जी बड़ी एक्टिवली फटाफट उठ जाते हैं कि इनका इनको जो चाहिए मैं पकड़ा दूं, मैं यहाँ पर पोछा भी लगा दूं, मैं यहाँ पर ऐसे भी कर दूं। अब तो उनको पता ही लग गया, शुरू शुरू में तो देखते थे कि करते कैसे हैं, अब तो उनको पता लग गया। आप उस मंदिर में स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं ना सुंदर साहब जी, जब वो झाड़ू भी लगा रहे हैं, पोछा भी लगा रहे हैं, कमर में दर्द महसूस ही नहीं हो रही उनको, क्यों? क्योंकि अंदर जो तड़प है वो कुछ में, उस तड़प के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। सुंदर साहब जी, जो अंदर का दर्द है ना, उसके सामने शरीर का दर्द, जीव का दर्द, मन होता है जो कहता है मेरे दर्द हो रही है, उसका दर्द कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्म हृदय में जो अंदर हृदय में जो दर्द होने लग गया ना, पिया को सामने पाने की चाहना का जो दर्द है ना, उससे मीठा और कोई दर्द उनको लगता ही नहीं। अब महसूस ही नहीं होता कि कितनी बार दिन में मैंने पोछा लगा लिया, कितनी मैंने परिक्रमा कर ली। सुबह 3 बजे उठ के परिक्रमा करने आ जाते हैं, नींद आती नहीं सुंदर साहब जी, घर में तड़प इतनी है कि रहा ही नहीं जाता, विरहा। अभी तो वाणी है ही नहीं सुंदर साहब जी, पर सिपाही स्वरूप में वो जो दर्शन दे गए एक बार और बता गए कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, वो विरहा अंदर आ चुका है, रहा ही नहीं जाता, घर पे रहा ही नहीं जाता, परिक्रमा करने ही चले जाते हैं कि मैं आस पास ही रहूं। यहाँ पर पता नहीं कब वो क्षण आ जाए सुंदर साहब जी, हमें उस क्षण का कितनी तीक्ष्णता से, कितने दर्द से इंतजार है, ये हम अपने हृदय से पूछें, कितने व्याकुल हैं हम उनको पाने के लिए, कहीं इसमें कमी तो नहीं, कहीं उस तड़प में, उस व्याकुलता में कमी तो नहीं सुंदर साहब जी, कितने प्रयास हमारी तरफ से हो रहे हैं उनके बारे में जरूर हम सुंदर साहब सोचें। अब क्या है, देवचंद्र जी हरिदास जी के पास ही रह रहे हैं, तो हरिदास जी जो हैं वो मत्तू मेहता जी के भी गुरु थे। कौन है मत्तू मेहता जी सुंदर साहब जी? देवचंद्र जी के पिताजी हैं, तो उनके भी गुरु रह चुके हैं। और जैसे ही देवचंद्र जी घर छोड़कर गए थे ना, तो मत्तू मेहता जी ने अपने जानने वालों को खबर पहुंचा दी थी कि मेरा बेटा चला गया है, किसी को भी दिखाई दे, किसी को उनके बारे में जानकारी मिले, पिता का दर्द सुंदर साहब जी मुझे जरूर बताइएगा, उनके अंदर भी कितनी तड़प है कि मेरा बेटा चला गया है। तो सुंदर साहब जी, जैसे ही हरिदास जी को पता लगता है, जैसे ही उनके परिवार के संबंध के बारे में जानते हैं, उनको पता लगता है ये तो मत्तू मेहता के पुत्र हैं, तुरंत उनको खबर भिजवा देते हैं। उस समय कुछ नहीं हुआ करता था, कुछ भी साधन नहीं थे कि फोन कर दें, कोई ना कोई तो जा रहा होगा उमरकोट, उसके हाथ जानकारी भिजवा देते हैं सुंदर साहब जी। मत्तू मेहता जी को पता लग जाता है कि यहाँ ठहरे हैं, तो पहले तो बड़ी कोशिश करते हैं कि वो वापस आ जाएं। बहुत समझाया बुझाया जाता है कि तुम नसीहत जो कहने हती सो कह कह थके सब, ना केवल वो
बल्कि सगे संबंधी भी कह कह कर थक जाते हैं कि अपने घर वापस जाओ, गृहस्थी बसाओ। भाई तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है, बुढ़ापे में कर लेना ना, अभी तुम्हारी उम्र क्या है। पर नहीं नहीं देवचंद्र जी, सुंदर साहब जी कहते हैं, एक बड़ा सुंदर एक एग्जाम्पल पहले भी दिया गया था, उसको यहां घटाइए। हम क्या कहते हैं कि यदि कोई आया हो हमारे घर में, एक फल होता है परिपक्व मीठा पका हुआ, एक होता है कच्चा और एक होता है सड़ा गला। कोई आया हो घर में, मेहमान आया हो, उसको हम कितने ध्यान से देखते हैं कि ये बड़ा मीठा लग रहा है, परिपक्व पका हुआ है, वो इसको खिलाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो अपने जीवन का परिपक्व हिस्सा है, कौन सा है, यौवन काल, पका हुआ जो हिस्सा है सबसे सुंदर, वो परमात्मा को नहीं अर्पण करना। सड़ा गला जो फल है ना, जब पूरा सड़ने गलने एंड में लग जाता है, अब माया से अब कोई पूछता ही नहीं हमें, अब ये अर्पण कर दो, बुढ़ापे में करेंगे, बूढ़े हो जाएंगे जब चलने की ताकत भी नहीं रहेगी ना, तब हम करेंगे उसको याद, जब चितवन में बैठा ही नहीं जाएगा, जब टांगे भी दर्द होंगी, कमर भी दर्द होगी, फिर हम क्या कहेंगे, धनी बैठा ही नहीं जाता, क्या करें। तो धनी ने कहा था उस उम्र में जाकर बैठो जब बैठा ही ना जाए। तो आज बाल युवा काल में, और सुंदर साथ जी जितना जितना समय हमारा बीत गया कोई बात नहीं, पर अपने बच्चों को, युवकों को, उनका ये समय नष्ट ना करने दें। जो गलती, भारी भूल हमने की, वो भूल वो ना करें। वेरी गुड राधिका, सोनी जी को देखकर बहुत सुंदर लगता है कि वो इसी समय इसी काल में राजी ने उनको सुध दे दी है। ऐसे बच्चों को, ऐसे युवाओं को प्रणाम जो अपना परिपक्व हिस्सा धनी के हिस्से में लगा रहे हैं। सुंदर साहब जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सोचा तो था दीक्षा मंत्र तक पहुंचेंगे, पर हमारे सोचने से होता ही क्या है, राज्जी की मास्टर प्लानिंग में जब वो होता है वो तभी होता है सुंदर साहब जी। तो शायद कल का दिन ही उन्होंने सोच रखा है कि इसकी बात होगी। जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, जो आप करो, जब करो, जैसे करो, वो सबसे सुंदर, सबसे बेस्ट, हमारे पे चाहे दुख आए चाहे सुख आए, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता था जो मेरे पिया ने मेरे लिए प्लान किया। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी साथ साथ भूल सुधार और माफी भी मांगती रहूंगी और आप देते ही रहेंगे। अधिकार पूर्ण मांगूंगी, दास पूर्ण नहीं मांगूंगी, अधिकार पूर्ण अपनी सखियों से माफी भी और प्रेम भी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर बहुत प्यारी अर्जी हमारी प्यारी रूप चित्रा जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। हमारे देवचंद्र सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कसनी देखकर और इतना भावपूर्ण वर्णन सुनकर बोलना बहुत कठिन है, कोई गलती हो तो माफी चाहती हूँ सुंदर साहब जी। पिया जी तुम हो तैसी की जियो मैं, अरस करूं मेरे पीयू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीव रातो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सविध पिया जी सामरथ दिन, रैन जात रोए रोए जी, जनम अंधी जो मैं होती सो क्यों,
देखुनी के कारजी, जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैनो नजार जी। पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब दिल करो तुम जीन जी। खिन खिन खबर जो लीजियो वाला, अरस करूं दुल्हन जी। एती अरज में तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कांठ लगाए जी। कांठ सो कांठ लगाए के पिया कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं दूल्हा, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख धाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री मामती युगल सरूप परवारी, अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो ऐसी कीजियो, मैं अरस करूं मेरे पीयू जी। प्रणाम जी। हमारी मीठी मीठी चित्रा और मीठी मीठी अर्जी आपके मुख से सुनकर बहुत बहुत अच्छा लगा चित्रा, बहुत सुंदर। आपके चरण को प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सुंदर साथी, प्रणाम जी।